देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब सभी को 11 दिसंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले इन चुनावों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि जनता पीएम मोदी और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मोदी राहुल के लिए मायने रखते हैं विधानसभा चुनाव। मोदी और राहुल में आखिर किसकी साख दांव पर है? आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों का ज्यादा असर मोदी पर पड़ेगा या राहुल पर, इसको लेकर सियासी जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि 5 राज्यों के चुनाव पीएम मोदी की तुलना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ज्यादा अहम है, और अगर इन चुनावों में कांग्रेस हारती है तो फिर ये देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए जोर का झटका होगा। साथ ही इससे बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की उम्मीदों पर भी पानी फिरेगा। लेकिन अगर बीजेपी की हार होती है तो इससे सीख लेते हुए बीजेपी, खासकर पीएम मोदी, मिशन 2019 को फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। हालांकि कुछ विश्लेषक इससे इतर राय भी रखते हैं। इनका कहना है कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मोदी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। अगर बीजेपी हारती है तो इससे सीधे तौर पर मोदी की इमेज को झटका लगेगा। तो वहीं राहुल गांधी के लिए भी ये चुनाव खासा अहम है। राहुल राज्यों में कांग्रेस की जीत होने पर राहुल गांधी अपने कैडर को ये बताने में कामयाब होंगे कि उनमें मोदी को चुनौती देने की कुवत है, साथ ही उनमें विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व करने की भी काबिलियत है। लेकिन अगर कांग्रेस सिर्फ राजस्थान में जीतती है तो ये काफी नहीं होगा। कुछ का तो ये भी कहना है कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में हारती है तो इससे केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों समेत कई फैसलों पर सवाल उठेगा। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मोदी और राहुल में से कौन अपनी साख बचाने में कामयाब होता है। इंडिया न्यूज़ बारेल की रिपोर्ट।